हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिर। मैं पंकज जांगिर आपका शो पर स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। महिंद्रा फाइनेंस आपको कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन क्या क्या प्रोवाइड करता है और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं पंकज जांगिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जांगिर। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। महिंद्रा फाइनेंस एक फाइनेंस कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं महिंद्रा जो कार है उसी के रिलेटेड एक कंपनी है जो आपको व्हीकल लोन, चाहे आप टू व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, आप सभी टाइप के लोन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जल्द से जल्द लोन ले सकते हैं। महिंद्रा फाइनेंस के कहना है कि ये 30 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव पास कर देती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं तो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये लोन लेने के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री की। बात करते हैं दोस्तों कार लोन की। अगर आप कार लोन कोई भी टाइप का ले रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो है दोस्तों KYC, जिसके अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका हो चुका है, और उसके अलावा दोस्तों चाहिएगा आपको ITR। ITR की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी देखते हुए ये आपको लोन प्रोवाइड करेगी। और बात करते हैं कितने टाइम के लिए आपको लोन मिल सकता है, तो ये दोस्तों आपको मिल सकता है अप टू 10 साल के लिए। हाँ दोस्तों, आपको 10 साल तक के लिए इस महिंद्रा फाइनेंस के अंदर आपको लोन मिल सकता है। और बात करते हैं दोस्तों पर्सनल लोन आपने अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो दोस्तों पर्सनल लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस बहुत आसान है। दोस्तों आप डिस्प्ले में वेबसाइट देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट है वो महिंद्रा फाइनेंस की। दोस्तों महिंद्रा फाइनेंस की कुछ बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं कि महिंद्रा फाइनेंस की ब्रांचेज जो है वो 1200 ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में, जो आपको नॉर्मली छोटे छोटे सिटीज में मिल सकता है। क्योंकि मैं भी काफ़ी, जैसे बीकानेर जो रह रहा हूँ इतना छोटा भी नहीं, बट इसकी ब्रांचेज आपको हर जगह मिल जाएगी, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 101% मिल जाएगी। और बात करें इसकी हेल्प की, तो इसके अंदर 20,000 एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन अप्लाई के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो दोस्तों पर्सनल लोन आप ले सकते हैं इसके अंदर अप टू लेकर 3 लाख का। वो डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे, और डिपेंड करने वाला आपकी ITR पे, या आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड होगा अप टू 3 लाख का। और दोस्तों इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन, जो KYC है और जो आपकी सैलरी या ITR फाइल है, उसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा जो चाहिएगा वो है आपका गारंटर, यानी आपको एक गारंटर की भी जरूरत पड़ने वाली है इसके अंदर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि व्हीकल लोन, पर्सनल लोन और उसके अलावा आप कौन सा लोन अप्लाई कर सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस के अंदर। दोस्तों महिंद्रा फाइनेंस के अंदर आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट पे अप टू लेके 40 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं इसके द्वारा। यानी आप बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन, तीनों लोन अप्लाई कर सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस के अंदर। अब बात करते हैं अगर इतनी ये सुविधा दे रहे हैं तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी रहने वाली है 10% से लेकर 30% के बीच में। हाईएस्ट ये 30% बोलता है, लेकिन 10 से लेकर 18% के बीच में इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है आप कोई भी लोन पास करवाते हैं तो। दोस्तों अप्लाई का प्रोसेस बहुत आसान है, आप जो भी लोन का अप्लाई करना चाहते हैं आप उस लोन के अंदर जाएंगे, व्हीकल लोन के अंदर जैसे हम जा रहे हैं, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म जनरेट होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद आपको एक ID मिल जाएगी आपकी, उसके बाद महिंद्रा फाइनेंस के एम्प्लॉय आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपसे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका लोन का प्रोसेस आकर कंप्लीट किया जाएगा। कंपनी कहना 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट में लोन पास नहीं होगा, हो सकता है 2 से 4 दिन लग जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है हर टाइम अपने पास अवेलेबल नहीं रहते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमको बैंक वगैरह से स्टेटमेंट वगैरह जो लेना पड़ता है। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि महिंद्रा फाइनेंस के अंदर आप लोन कैसे दे सकते हैं, और दोस्तों साथ ही आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप FDs कराते हैं तो आपको 8.25% से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इन्वेस्ट के अंदर आप म्यूचुअल फंड भी आप इसके अंदर यूज ले सकते हैं।
सो गाइस आप समझ गए होंगे कि महिंद्रा फाइनेंस आखिर है क्या, आप किस तरह लोन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आ गए आप हमारे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइस हम आपको फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो डे टू डे जल्द से जल्द देते रहते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।